Dear students, in today's lecture we are going to study about op-amp comparators, means that operational amplifier as a comparators. This topic also comes under emerging domain in electronics engineering, and this is the almost last topic of unit 3 op-amp. Operational amplifier ka ye almost last topic hai, so aaj ki class mein hum log isko padhenge. Aur इस टॉपिक के साथ में ही हमारा ऑपरेशन एम्पलीफायर का जो ऑलमोस्ट सारे पोर्शंस हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. मेरा नाम हरी मोहन राय है और हम लोग आज पढ़ेंगे कंपैरेटर इन ऑप एम्प सॉकेट. यहाँ भी कंपैरेटर्स के बेसिक्स के बारे में पढ़ना है. बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्लीकेशन या प्रैक्टिकल ऑप एम्प कंपैरेटर्स या इंडस्ट्रियल अप्लीकेशन के बारे में नहीं पढ़ना हमें, बट हमें देखना है कि ऑप एम्प का यूज करके ऑप-एम्प कंपैरेटर, तो इसका यूज करके हम लोग कंपैरेटर्स कैसे बनाते हैं, ये किस तरीके से इसका वर्किंग प्रोसीजर होता है, कैसे ये काम करता है. और एक तरीके से देखा जाए तो ये ओपन लूप एप्लीकेशन होता है. जो हमने जितने एप्लीकेशन सर्किट पढ़ी हुई उसमें क्या है, क्लोज लूप एप्लीकेशन, यानी कि हमेशा फीडबैक दिया हुआ है आउटपुट के साथ में. बट यहाँ पे हम लोग जो है सिंपल ओपन लूप एप्लीकेशन पढ़ेंगे. तो जैसा मैं पहले भी बताते आया हूँ आप लोगों को कि जब भी हम आप लोगों को जो भी इसमें टॉपिक बताते जा रहे हैं उसका मेरा दो मकसद होता है. एक मकसद कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट तो समझ में आया है, साथ साथ में एग्जाम में जो कोई भी आपकी यूनिवर्सिटीज है, AKTU या बाकी यूनिवर्सिटी, उसमें वो अगर थ्योरेटिकल टर्म्स में है कि एक्सप्लेन करने के लिए, लिखने के लिए 5 लॉन्ग मार्क्स में, 5 मार्क्स में, 10 मार्क्स में, 7 मार्क्स में, तो आप उसको कैसे लिखे ये भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को, और लिखवाता भी और बताता भी. तो इसमें भी हम करीब करीब उसी तरीके से जाएंगे, बट थोड़ा सा बाकी कंपेयर में ब्रीफ में जाएंगे, बिकॉज इट हैज सर्टेन 4, 3 से 4 टाइप्स के होते हैं. तो सारे टाइप्स के बारे में हम उसके डायग्राम को और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट को हम देखते जाएंगे, वो अपने आप आपके पास चल जाएगा कि हमें इसको कैसे लिखना है और क्या लिखना है. ओके, तो लेट अस बिगिन करते हैं हम लोग स्टार्ट. ओके, तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करें कि कंपैरेटर क्या होता है. तो ये एक कंपैरेटर जो होता है वो भी एक ऑप-एम्प सर्किट होता है. कंपैरेटर इज एन ऑप-एम्प सर्किट, ऑपरेशन एम्पलीफायर सर्किट है, सर्किट जो कि दैट कंपेयर्स या विच कंपेयर्स, जो कंपेयर करता है, कंपेयर्स टू इनपुट वोल्टेजेस वो एट बोथ टर्मिनल एंड प्रोवाइड ए कॉन्स्टेंट आउटपुट. ये एक डीसी आउटपुट कर सकते हो डीसी फॉर्म में, यानी कि एक स्क्वायर वेव या इस वेव में, यानी कंपेयर करने के बाद दोनों टर्मिनल को, बोथ टर्मिनल पे आउटपुट साइड में एक कांस्टेंट सप्लाई या कांस्टेंट आउटपुट के तौर पर प्रोवाइड करता है. कैसे, हम वो देखेंगे थोड़ा सा इसके बाद में और क्यों. और हम ये आइडियल कंपैरेटर्स की बात कर रहे हैं या कोई प्रैक्टिकल या इसके बाद में बात नहीं कर रहे, इसलिए हमें एक आइडियलिस्टिक फॉर्म में जो इसका आउटपुट आएगा वो ही हम देखेंगे. अब इसमें इसके सेकेंड पॉइंट में हम ये करता क्या है, तो इसमें क्या करते हैं कि इसमें दो वोल्टेज, यानी दो टर्मिनल पर वोल्टेज देते हैं. तो एक वोल्टेज को हम लोग रेफरेंस वोल्टेज मान लेते हैं और दूसरे वोल्टेज को हम लोग क्या मान लेते हैं कि वो इनपुट वोल्टेज. तो यहाँ पे मान लेते हैं कि वोल्टेज एट वन टर्मिनल टर्मिनल इज एज्यूम्ड एज रेफरेंस वोल्टेज. एक को हमने रेफरेंस वोल्टेज मान लिया, वो मैं एप्लीकेशन के हिसाब से दिखाते जाऊंगा किस पे रेफरेंस वोल्टेज मानेंगे तो क्या होगा. तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि VREF है, वी रेफरेंस, एंड वोल्टेज एट अनदर टर्मिनल, जिस वोल्टेज पे रेफरेंस मानोगे उसके ऑपोजिट पे, एंड वोल्टेज एट अनदर टर्मिनल is called input voltage. दूसरे पे हमने क्या किया, इनपुट वोल्टेज मान लिया और एक टर्मिनल पे हमने रेफरेंस वोल्टेज मान लिया, इसको हम वी
आई एन थ्री नॉट करते हैं। अब होता क्या है कि ये कैसे काम करता है कि ये दोनों को कंपेयर करता है, यानी कि अगर यहाँ पे व्हेन इनपुट वोल्टेज फॉल्स बिलो और राइजेज अबव, ओके, यानी कि या तो नीचे फॉल करता है या ऊपर जाता है, किससे? अबव द रेफरेंस वोल्टेज, देन द पोलैरिटी चेंजेस एट आउटपुट साइड में इसकी पोलैरिटी, यानी कि ऑप एम्प की जो पोलैरिटी होती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। कैसे वो देखते हैं। सो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हमने एक ऑप एम्प सर्किट बनाया है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट, कुछ इस तरीके से। ये ओपन लूप एप्लीकेशन पे माइनस प्लस, और ये आपका हो गया एक बी वन, और किसी भी इन मान लेते हैं किसी एक टर्मिनल पे, और दूसरे टर्मिनल पे हम मान लेते हैं कि ये वी डिफरेंट, किसी पे भी मान सकते हैं, प्लस पे भी माइनस पे, वो आगे एप्लीकेशन के तौर पे देखेंगे। और यहाँ हम ले रहे हैं उनकी, और हमें पता है कि दो वोल्टेज सप्लाई जो होती है वो होती है प्लस वी सी सी एंड माइनस वी ई, यानी कि प्लस वी एंड माइनस वी ई के द्वारा। ओके, सो अब जो कंडीशन यहाँ पे राइज होती है वो दो कंडीशन होती है। अगर पहला फर्स्ट कंडीशन में अगर जो इनपुट वोल्टेज है, यानी कि वी इनपुट, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल पे जो हम वोल्टेज दे रहे हैं, माइनस टर्मिनल पे जो वोल्टेज दे रहे हैं, वो अगर बड़ा हो जाए वी रेफरेंस वोल्टेज से, यानी कि जो रेफरेंस वोल्टेज पे आपका जा रहा है, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल पे, यहाँ पे इस कंडीशन में देखिए पॉजिटिव टर्मिनल पे प्लस, यानी कि माइनस पे जो आपने वोल्टेज दिया हुआ है, अगर वो प्लस टर्मिनल के वोल्टेज, यानी कि नॉन वोल्टेज टर्मिनल के वोल्टेज से बड़ा हो जाए, तो क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल पे बड़ा है, यानी कि नेगेटिव आउटपुट क्या मिलना चाहिए, नेगेटिव मिलना चाहिए। सो देन द आउटपुट, यानी कि वी आउटपुट इज इक्वल टू माइनस वी सेचुरेशन के बराबर मिलता है। व्हाट इज वी सेचुरेशन? ट्रांसफर कर्व आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो मैं जस्ट थोड़ा सा आगे बता दूंगा कि ट्रांसफर कर्व में क्या होता है, कि आउटपुट जो होता है वो ट्रांसफर कर्व हमें इनपुट वर्सेस आउटपुट ड्रॉ करते हैं, तो आउटपुट जो मैक्सिमम सेचुरेशन लेवल पे जाके सेटल हो जाता है ना, फिक्स हो जाता है। तो वो सेचुरेशन लेवल कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है, यानी कि सिंपल वर्ड में आप कहो तो नेगेटिव वीईई मतलब माइनस वीई के बराबर सेटल फिक्स हो जाएगा, और प्लस वीसीसी मतलब ये प्लस वी सैट के बराबर, ये प्लस वीसीसी इज इक्वल टू नथिंग बट ये प्लस वी सैट हो गया, और ये माइनस वी नथिंग बट ये हो गया माइनस वी सैट, जो भी हम डीसी सप्लाई एक्सटर्नल जो हम इसको प्रोवाइड करते हैं वही प्लस वी सेट एंड माइनस वी सेट होता है। ठीक है, तो अब ये सेकेंड कंडीशन में अगर अब इसका अपोजिट, अगर इनपुट वोल्टेज जो आप दे रहे हैं, यानी कि इनपुट सप्लाई नेगेटिव टर्मिनल पर जो वोल्टेज दे रहे हैं वो छोटा हो जाए, वी रेफरेंस वोल्टेज, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज जो है बड़ा हो जाए नेगेटिव टर्मिनल से, तो क्या होगा, आउटपुट जो होगा यानी कि वो किसके बराबर मिलेगा, प्लस वी सेचुरेशन के बराबर मिलेगा, यानी कि एक कांस्टेंट आउटपुट या तो प्लस वी या माइनस वी के बीच में ये होगा। तो चलिए इसका एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स बता देता हूँ शॉर्ट में, ब्रीफ में ऑप एम्प का। सो ट्रांसफर TRANS ट्रांसफर कर्व ऑफ ऑप एम्प, ठीक है, जस्ट ब्रीफ में थोड़ा सा, बिकॉज ये इसका उतना हिस्सा नहीं है बेसिक पार्ट में इसमें, लेकिन हाँ क्योंकि इसमें यूज हो रहा है तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ट्रांसफर कर्व ऑफ ऑप एम्प, तो आइडियल ऑप एम्प का तो कुछ अलग होता है, तो थोड़ा सा देखते हैं प्रैक्टिकल ऑप एम्प या ऑप एम्प का ट्रांसफर कर्व कैसे वैरी करता है। तो ट्रांसफर कर्व हम बनाते हैं, ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर होना इनपुट से आउटपुट के बीच में, इसलिए हमेशा इसमें इनपुट वोल्टेज और आउटपुट, अगर आप लोगों को लास्ट आपने लेक्चर देखा होगा ट्रांजिस्टर में जनरली हम लोगों ने FET का फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, JFET और DMOSFET का, तो वहां पर हम लोगों ने ट्रांसफर कैरेक्टर बनाए थे। तो ट्रांसफर कैरेक्टर किसके बीच में होता था, आउटपुट वोल्टेज एंड इनपुट वोल्टेज के बीच में, तो यहाँ भी जो ट्रांसफर कर्व होगा वो आउटपुट वोल्टेज वर्सेज इनपुट, यानी कि यहाँ पे इनपुट वेरी करेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट में क्या चेंजेस होगा वो हम देखेंगे।
तो जनरली क्या होता है कि जब हम आउटपुट को वैरी करते हैं तो हमें पता है कि हमारा एम्पलीफायर जो क्या करता है, वोल्टेज को एम्पलीफाई करता है। तो जैसे मैंने हम इनपुट दिया तो कॉरस्पॉन्डिंगली मेरा जो आउटपुट हो गया वो वैरी यानी कि इंक्रीज करना शुरू हुआ इस तरीके से। और इस हमने जीरो इनपुट दिया तो करीब करीब जीरो, लेकिन जैसे थोड़ा सा इनपुट दिया तो एम्पलीफाई कर दिया, काफी ज्यादा एम्पलीफाई कर दिया। और एम्पलीफाई के साथ साथ, लेकिन क्या ये हमेशा एम्पलीफाई करते रहेगा? नहीं, ये क्या होगा, किसी एक पॉइंट पे आके सेचुरेट हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। और उसी सेचुरेशन को हम लोग वी सैट बोलते हैं, जो प्लस वीसीसी या जो माइनस वीसीसी आप अप्लाई करते हो, प्लस वीसीसी या माइनस वी उसी के बराबर होता है। ये जो वोल्टेज सेचुरेट होता है ये सेचुरेशन, ये लीनियर लेवल यहाँ से पहले का लीनियर हो गया और ये कहलाता है वी सैट, जो कि प्लस वीसीसी के बराबर होता है। ये फिक्स हो जाता है एक, यानी कि स्टार्टिंग के कुछ वोल्टेज तक तो क्या करेगा ये बिल्कुल लीनियरली वैरी करेगा, लेकिन एक वोल्टेज के बाद ये बिल्कुल फिक्स हो जाता है, सैचुरेशन के बराबर हो जाता है। और उसी तरीके से नेगेटिव में भी आता है, यानी कि नेगेटिव में भी जब आप इसको वैरी कराओगे तो कुछ वोल्टेज तक तो ये बिल्कुल एज इट इज लीनियरली वैरी करेगा, और फिर इसके बाद ये माइनस मैक्सिमम, ऐसा नहीं कि इनफिनिट चला जाएगा, ये प्लस वीसीसी तक, ये माइनस वीईई पे जाके, यानी कि माइनस इसको वी सैट बोलते हैं, इस पे जाके ये क्या हो गया, ये फिक्स हो जाता है, यानी कि कॉन्स्टेंट हो जाता है। तो यही इसका ट्रांसफर कर्व है, यानी कि इनपुट इनपुट को हम जैसे थोड़ा सा वैरी कराएंगे तो इसका गेन बहुत ज्यादा होता है, तो लीनियरली काफी तेजी से वैरी कराएगा, लेकिन एक शॉर्ट इंटरवल थोड़ी देर के बाद ये क्या करेगा, ये एक कांस्टेंट फिक्स सप्लाई देना, यानी आउटपुट देना शुरू करेगा। और इसी को हम लोग वी सैचुरेशन बोलते हैं, जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों, क्योंकि हम इसमें दोनों सप्लाई दे सकते हैं, तो इसके बराबर होता है। और अगर आप इसको आइडियल टर्म्स में बात करोगे, यानी कि आइडियल ओप एम्प के लिए, तो ये लीनियर जो वैल्यू होती है वो डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे प्लस वी सैट से माइनस वी सैट के बीच में वैरी करेगी। तो अभी हम लोग जो है आइडियल की ही हम बातें करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे ही वो वोल्टेज होगा या तो वो प्लस वी सेट या माइनस वी सेट के बराबर होगा। ओके, लेटेस्ट फिगर। अब ये कितने टाइप्स के हम लोग जनरली यहाँ पर देखने जाएंगे, तो या तो इन देखो दो चीजें, कंपैरेटर अगर आप या ऑप एम्प यूज कर रहे हैं तो इनपुट आप तो नेगेटिव पे दे सकते हो या पॉजिटिव पे दे सकते हैं, यही कर सकते हैं। तो अगर मैं नेगेटिव पे इनपुट देता हूँ, देखिए फर्स्ट पहला टाइप, यानी कि इन्वर्टिंग, यहाँ पे है इन्वर्टिंग ऑप एम्प या कंपैरेटर कहिए इसको, इन्वर्टिंग कंपैरेटर, क्योंकि इनपुट आपने इन्वर्टिंग पर दिया है, इन्वर्टिंग कंपैरेटर विथ जीरो रिफरेंस, यानी कि रिफरेंस वोल्टेज आपका जीरो है, इसको जीरो क्रॉसिंग भी बोलते हैं, जीरो क्रॉसिंग एम्पलीफायर या कंपैरेटर। तो जीरो क्रॉसिंग मतलब जीरो को क्रॉस करने को क्या करेगा, ये डिटेक्ट करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक पहले मैं इसको, इसके सर्किट को देखें, सर्किट तो कुछ खास है नहीं, बस केवल एक एम्पलीफायर, ये ऑपरेशन एम्पलीफायर बनाना है, माइनस प्लस, और यहाँ पे आपने माइनस वाले टर्मिनल पे आपने इनपुट दिया, इसका नाम दिया है वी इनपुट, और ये प्लस वाला जो टर्मिनल है ये ग्राउंड वाला है, इसको आपने वी रेफरेंस मान लिया, यानी कि वी रेफरेंस की वैल्यू कितनी है, जीरो, और यहाँ से आपको मिल रहा है आउटपुट। तो या तो आउटपुट प्लस वी सैट होगा या माइनस वी सैचुरेशन के बराबर होगा। तो चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। तो अगर मान लिया कि आपने इनपुट वोल्टेज कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, यानी कि यहाँ से कुछ ऐसे नेगेटिव और ये पॉजिटिव ऐसे दिया, ओके, और ये जो है वो प्लस वी इन से लेके और मान लो कि माइनस वी इन तक वैरी कर रहा है, ये आपका है टाइम के रिस्पेक्ट में इनपुट वोल्टेज, ये आपने इनपुट दिया नेगेटिव टर्मिनल पे, यानी कि वी इनपुट दे रहे हैं। अब ये देखिए कि इनपुट जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, अगर हम इसकी बात करें तो ये वाला पोर्शन जो हो गया वो निगेटिव है, जीरो से छोटा, और ये टर्मिनल पॉजिटिव है, यानी कि जीरो से बड़ा, यानी कि जीरो से बड़ा और जीरो से छोटा। अब आपको जस्ट यहाँ पे देखिए इसके केस में, मैं लेट मी ड्रॉ द यहाँ पे आउटपुट ड्रॉ कर दूं, आउटपुट के लिए, यहाँ आउटपुट लाइन के लिए कैसा होगा। तो जब द इनपुट निगेटिव में दे रहा है, यानी कि अगर यहाँ पे भी निगेटिव टर्मिनल है, इन्वर्टिंग टर्मिनल, इन्वर्टिंग और ये वाला जीरो है, ध्यान देखना, ये देखो ये जीरो है, तो इनपुट पे हम अगर कोई भी वोल्टेज देंगे, यानी कि एक तरीके से देखा जाए, यानी कि इस तरीके से देखा जाए, इस तरीके से कि अगर इस पे अगर हम प्लस देंगे प्लस, तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आएगा, माइनस में, और अगर यहाँ पे मैं माइनस दूंगा तो आउटपुट में क्या आएगा, प्लस आएगा, क्लियर है, क्योंकि ये दूसरा तो ग्राउंडेड है, जीरो डिफरेंस है। तो जो भी मैं इस पे इनपुट दूंगा, अगर मैं मेरा इनपुट निगेटिव होगा तो आउटपुट क्या आएगा, पॉजिटिव प्लस वी सेट के बराबर, एग्री, और अगर सॉरी अगर पॉजिटिव दूंगा तो आउटपुट माइनस वी सेट के बराबर, और अगर मैं निगेटिव दूंगा तो आउटपुट पॉजिटिव वी सेट के बराबर, यही दो चीज होंगी। यानी कि जो भी आप इनपुट दोगे, इनपुट में का वोल्टेज अगर निगेटिव में होगा तो पॉजिटिव हो वी सेट,
और पॉजिटिव में होगा तो निगेटिव भी सेचुरेशन, इजंट इट। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज है, अगर मैं ये बात करूँ तो यहाँ से यहाँ तक ये किसके निगेटिव है, निगेटिव का आउटकम मिलेगा आपको प्लस वी सेट के बराबर। तो यहाँ से यहाँ तक का जो आपको आउटपुट मिलेगा वो प्लस वी सेट के बराबर, वी सेचुरेशन के बराबर मिलेगा यहाँ तक। ये हो गया वी सेट, वी सेचुरेशन। और जो पॉजिटिव है यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो है ये यहाँ तक, तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है क्योंकि ये प्लस दे रहे हैं आप, तो प्लस देंगे तो क्या मिलेगा, माइनस वी सेट। तो ये आपका हो जाएगा माइनस वी सेट। अगर यानी कि सिंपल वर्ड में जो हमने आप लोगों को लिखाया था कि अगर नेगेटिव बड़ा हुआ, नेगेटिव बड़ा हुआ तो क्या मिलेगा, माइनस वी सेट, और अगर पॉजिटिव बड़ा हुआ तो क्या मिलेगा, प्लस वी सेट। तो नेगेटिव बड़ा होने का मतलब क्या, जीरो से आप यहाँ पे वोल्टेज दोगे आप प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री समथिंग, तो ये इसका मतलब है कि आपने वन वोल्ट दिया, तो वन दिया जीरो से बड़ा हो गया, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल बड़ा हो गया, तो नेगेटिव टर्मिनल बड़ा हो गया तो क्या मिलेगा, माइनस वी सेट। अब अगर आपने यहाँ पे माइनस वन दे दिया यानी कि नेगेटिव दे दिया, तो नेगेटिव जीरो से क्या हो गया, छोटा हो गया, जीरो से छोटा होगा ना नेगेटिव, तो नेगेटिव जीरो से छोटा हो गया तो क्या हो गया, ये मिल गया प्लस वी सेट के बराबर। तो लेकिन अगर आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है, आपको लगता है कि नहीं मुझे ये कॉन्सेप्ट मुझे नहीं ध्यान पर रखना है कि माइनस बड़ा है कि प्लस बड़ा है, तो सिंपल आप यही कॉन्सेप्ट ध्यान रखो कि दोनों टर्मिनल पे से, दोनों टर्मिनल पे अगर आप इनवर्टिंग टर्मिनल है और जीरो से अगर डिफरेंस में आपको करना है, तो अगर मैं इस पे पॉजिटिव इनपुट दूंगा तो मुझे आउटपुट माइनस वी सिचुएशन के बराबर मिलेगा, और निगेटिव इनपुट दूंगा तो आउटपुट पॉजिटिव सिचुएशन मिलेगा। अब सेकेंड केस, अब आप यहाँ पे सेम ही कंडीशन लेके चलता हूं मैं, कंडीशन नंबर की इन्वर्टिंग कंपरेटर तो हम रख ही रहे हैं, इन्वर्टिंग कंपरेटर, लेकिन इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इन्वर्टिंग कंपरेटर विथ नॉन जीरो डिफरेंस। अब यहाँ पे डिफरेंस की जगह पे कुछ वैल्यू हम पुट कर दे रहे हैं, यानी कि नॉन जीरो डिफरेंस। यहाँ पे रेफरेंस जो ग्राउंडेड था वो अब ग्राउंडेड ना होकर जीरो नहीं है, यानी कि अगर मैं इसका एक ये बनाने की कोशिश करूँ तो कुछ इस तरीके से, ये माइनस पे आपने इनपुट दिया, ओके वी आई एन, बट जो प्लस है वो जीरो नहीं है, ये आपका जीरो नहीं है, ओके यानी कि ये वी रेफरेंस है, ओके। मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे कि वी रेफरेंस की वैल्यू जो है वो 3 वोल्ट या 4 वोल्ट या माइनस 3 वोल्ट, कुछ भी आप ले सकते हैं इसमें आपकी मर्जी। तो एग्जाम्पल के तौर पर हमने इसको मान लिया समझने के लिए कि ये वी रेफरेंस 3 वोल्ट के बराबर। अब आप मेरा सवाल ये है कि यहाँ पे आपने फिक्स 3 वोल्ट दिया और ये वैल्यू जो है वो मान लो कि माइनस 5 से लेके प्लस 5 तक वैरी करा रहे हैं, यानी कि मिनिमम वैल्यू माइनस 5 होगी और मैक्सिमम वैल्यू प्लस 5 होगी। तो जब आप माइनस 5 देंगे, माइनस 5, तो ये 3 से बड़ा होगा या छोटा, अगर मैं दोनों का डिफरेंस करूं, यानी कि तो 3 माइनस माइनस 5 टोटल कितना हो गया, प्लस 8 है ना, यानी कि टोटल जो डिफरेंस आया 8 के बराबर आया, और इसमें से जो है ये प्लस वाला बड़ा हो गया। तो इसका मतलब ये है कि आउटपुट कैसा आना चाहिए आपका, जस्ट थिंक, क्योंकि आपने देखो यहाँ पे इनपुट आप कहाँ दे रहे हैं, ध्यान समझना, जस्ट आई रिपीट, अगेन आई रिपीट कर रहा हूँ, इनपुट आपने दिया है निगेटिव टर्मिनल पे, तो निगेटिव टर्मिनल पे इनपुट अगर हम जो भी मैं इनपुट दूंगा वो किसके साथ कंपेयर होगा, रेफरेंस से। तो निगेटिव टर्मिनल पे अगर मेरा इनपुट, निगेटिव टर्मिनल का जो इनपुट होगा अगर वो पॉजिटिव टर्मिनल से बड़ा है, यानी कि अगर 3 की जगह पे आपने 4 दिया है ना, 3 की जगह पे, जस्ट अ मिनट, आई थिंक सो, 3 की जगह पे आपने अगर 4 दिया है, तो अगर 3 से बड़ा 4 है, इसका मतलब है कि अगर दोनों को सेपरेट करोगे तो डिफरेंस क्या आएगा, 3 माइनस 4 = -1, यानी कि अगर आप यहाँ पे क्या है, निगेटिव आ रहा है, यानी कि जो आउटपुट जो आपको मिलेगा, यानी कि यहाँ पे फ्री इनपुट, माइनस टर्मिनल बड़ा है, माइनस टर्मिनल का मतलब क्या है कि आपने आपका जो इनपुट है वो यहाँ पे बड़ा है, 1 से बड़ा है, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, माइनस वी सेट के बराबर, ओके। और अगर आपने यहाँ पे माइनस 4 दे दिया, इसका मतलब अब ये प्लस वाला बड़ा हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल बड़ा हो गया, तो आउटपुट क्या मिलना चाहिए, प्लस वी सेट के बराबर। यानी कि सिंपल, अब छोटा सा एक अगर कंफ्यूजन आपको दूर करनी है तो मैं सिंपल से अब बताऊंगा, आपको सिर्फ चेक करना है कि निगेटिव टर्मिनल पे जो टोटल जो आपका और दोनों के डिफरेंस का जो आउटपुट आ रहा है, जो डिफरेंस का आउटपुट आ रहा है वो क्या है, निगेटिव है या पॉजिटिव। अगर वो डिफरेंस निगेटिव आएगा तो आउटपुट माइनस वी सेट के बराबर मिलेगा, और आपका उसका डिफरेंस पॉजिटिव आएगा तो प्लस वी सेट के बराबर मिलेगा। जैसे आपने इस टर्मिनल पे आपने दिया हुआ है 3 वोल्ट रेफरेंस, अगर आपने यहाँ पे 4 वोल्ट अप्लाई कर दिया तो 3 पॉजिटिव है, 3 माइनस 4 कितना आया, माइनस, इसका मतलब है कि आपको आउटपुट क्या आएगा, माइनस वी सेट के बराबर, ठीक है, निगेटिव के बराबर।
और अगर आपने यहाँ पे दे दिया माइनस थ्री, अब सबट्रैक्ट करें तो थ्री माइनस माइनस थ्री कितना हो गया, सिक्स, टोटल सिक्स, यानी कि पॉजिटिव, तो आउटपुट क्या आएगा, प्लस बी सेट के बराबर। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे दो वोल्ट दे दीजिए, अब अगर थ्री में से टू सबट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, थ्री ये पॉजिटिव पे, टू निगेटिव पे, यानी कि थ्री माइनस टू किया आउटपुट कितना आया, प्लस वन, यानी कि आउटपुट क्या आएगा, प्लस बी सेट के बराबर। यानी कि सिंपल वर्ड में अगर देखा जाए तो जो भी डिफरेंस, अगर दोनों का डिफरेंस, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल का डिफरेंस अगर नेगेटिव में आया तो माइनस बी सेट होगा, पॉजिटिव में आया तो प्लस बी सेट आएगा। दूसरे वर्ड में अगर इनपुट टर्मिनल बड़ा है, इनपुट टर्मिनल इज ग्रेटर देन नॉन मतलब प्रेफरेंस वोल्टेज, तो आउटपुट क्या आएगा, अगर इनपुट टर्मिनल इज का पे जो वोल्टेज है अगर वो बड़ा है रेफरेंस से, तो आउटपुट आएगा माइनस वी सेट, और अगर इनवर्टिंग टर्मिनल यानी कि इनपुट टर्मिनल का रेफरेंस वोल्टेज रेफरेंस से छोटा है तो आउटपुट क्या आएगा, प्लस वी सेट। और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग एक यहाँ पे ड्रॉ करते हैं इनपुट एंड आउटपुट। चलिए ये टर्मिनल ये हो गया, ये पूरा पॉजिटिव है यानी कि ये प्लस वी इन, और ये जो है माइनस वी इन नीचे वाला है ना, माइनस वी। अब ये इनपुट, अब चलो मैं यहाँ पे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो अब और एक रेफरेंस वोल्टेज जो है वो क्या है, थ्री वोल्ट, प्लस थ्री वोल्ट के बराबर, ये प्लस थ्री वोल्ट क्या है, ये बी रेफरेंस है। तो अब ये जो दो पोर्शन है यहाँ पे, सिर्फ यही पोर्शन जो है वो रेफरेंस वोल्टेज से बड़ा है, यानी कि इतना। तो जब इतना पोर्शन रेफरेंस वोल्टेज से बड़ा होगा तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, माइनस बी सेट के बराबर, और जब छोटा होगा तो क्या होगा, प्लस बी सेट के बराबर। सिंपल उल्टा, यानी कि बड़ा तो माइनस वी सेट यानी कि नेगेटिव में, और छोटा तो प्लस वी सेट। क्यों, आप यहाँ पे देख चुके हैं हम लोग, क्योंकि बड़ा होगा तो डिफरेंस डिफरेंस जो हो जाएगा यहाँ पे नेगेटिव में आ जाएगा, और छोटा होगा तो डिफरेंस पॉजिटिव में आ जाएगा, है ना। तो इसी वजह से अब यहाँ पे देखिए, ये इन दोनों टर्मिनल के बीच में यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो आपका आउटपुट जो आएगा वो माइनस वी सेट के बराबर आएगा, यानी इन इस जहाँ पे की रेफरेंस वोल्टेज से इनपुट बड़ा है, तो रेफरेंस वोल्टेज से इनपुट बड़ा है तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो माइनस वी सेट के बराबर। लेट मी ड्रॉ दिस, तो ये हो गया माइनस वी सेट, सिर्फ इतना दो। ओके, अब अगर हम मैं बात करूं रिमेनिंग पोर्शन, ये जितना रिमेनिंग पोर्शन है वो क्या है कि रेफरेंस वोल्टेज से छोटा है, इनपुट रेफरेंस वोल्टेज छोटा है, तो जब भी रेफरेंस इनपुट वोल्टेज से छोटा होगा तो आउटपुट क्या आएगा, प्लस वी सेट के बराबर होगा। ये प्लस वी सेट, ये हो गया प्लस वी सेट यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, सो दिस इज, और ये हो गया माइनस वी सेट, बस यही तो है कॉन्सेप्ट। यानी कि सिर्फ आपको देखना है कि पॉजिटिव टर्मिनल पे अगर वोल्टेज बड़ा है, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल अगर बड़ा हो जाए इसका मतलब क्या है कि वो पॉजिटिव आउटपुट देगा, नेगेटिव टर्मिनल बड़ा हो जाए तो नेगेटिव आउटपुट देगा, दैट्स इट, यही देखना है। थर्ड नंबर पे सिंपल यही करते हैं, जस्ट आप रिवर्ट कर देते हैं। रिवर्ट करने का मतलब, रिवर्ट करने का मतलब ये है कि अब थर्ड केस में देख ले कंपैरेटर का, तो तीसरा केस ये हो सकता है थर्ड केस कि हम नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर है, नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर बट विथ जीरो रेफरेंस, यहाँ पे विथ जीरो रेफरेंस। ओके, सिंपल सी बात है, अगर आपने कंपैरेटर का इनपुट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे लिया है तो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे क्या होगा, रेफरेंस वोल्टेज होगा। तो लेट अस चेक, अगर आपने ये डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, माइनस प्लस, इनपुट किस पे है, प्लस पे, ये प्लस पे आपने दे दिया वी इनपुट, तो ये माइनस पे क्या होगा, रेफरेंस, और रेफरेंस क्या है यहाँ पे, जीरो है, तो वी रेफरेंस आपका जीरो। अब आप खुद सोच के देखिए, जब हमने इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग पढ़ा था तो उसमें बात की थी कि अगर जो भी वोल्टेज, क्योंकि ये तो डिफरेंस वोल्टेज तो जीरो है ना नेगेटिव टर्मिनल पे, तो जो भी वोल्टेज मैं इस पे दूंगा, प्लस दूंगा तो आउटपुट मुझे प्लस में आएगा, माइनस दूंगा तो आपको माइनस में आएगा, है ना, इजंट इट। अब इसको ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर मैं पॉजिटिव यानी कि दो वोल्ट दिया तो दो वोल्टेज अब जीरो, जीरो में और दो में कौन बड़ा है, ये प्लस वाला बड़ा है, तो ये छोटा हो गया, रेफरेंस छोटा हो गया, तो इसका मतलब आउटपुट पॉजिटिव में आएगा। और अगर यहाँ पे माइनस टू वोल्ट दे दूं तो जीरो में और माइनस टू में कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, यानी कि आउटपुट क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो जो हमने वहां पे पढ़ा था कि अगर माइनस बड़ा हो जाएगा तो आउटपुट नेगेटिव, प्लस बड़ा हो जाएगा तो आउटपुट पॉजिटिव, तो उसी को यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर हमने नॉन इन्वर्टिंग पे दिया है तो नॉन इन्वर्टिंग पे और माइनस वाला जो है वो जीरो है, तो जो भी मैं इनपुट दूंगा, अगर पॉजिटिव में इनपुट जाएगा, पॉजिटिव में इनपुट होगा तो आउटपुट पॉजिटिव, नेगेटिव में अगर आउटपुट जाएगा, इनपुट जाएगा तो आउटपुट
नेगेटिव, जस्ट लेट अस सी हियर यहाँ पर। तो ये हमने ड्रॉ किया, ये इनपुट है और ये मान लो कि वैरी कर रहा है प्लस वी इनपुट से लेके माइनस वी इनपुट। तो सिंपल, कहाँ से कहाँ तक का पोर्शन बड़ा और कहाँ से कहाँ तक का पोर्शन छोटा है, ये जो साइकिल है ये यहाँ पे ये पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ तक मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, प्लस वी सेट के बराबर मिलेगा, प्लस वी सेट, ये वी सेट, और यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा ये क्या है, इनपुट जो है वो निगेटिव में छोटा है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे, माइनस वी सेचुरेशन के बराबर, प्लस वी सेचुरेशन माइनस वी सेचुरेशन, ये तो है आउटपुट। एंड द लास्ट वन इज, इसके साथ ही फोर्थ नंबर इज, अगर नॉन इन्वर्टिंग पर हमने कंपैरेटर तो मैं बना रहा हूं लेकिन विथ नॉन जीरो रेफरेंस, यानी कि इस बार रेफरेंस वोल्टेज जीरो नहीं है, यानी कि कुछ इस तरीके से, यानी कि इनपुट हम दे रहे हैं, यानी कि इनपुट इज गिवन टू द प्लस टर्मिनल जो कि V इनपुट के बराबर है, लेकिन माइनस टर्मिनल पे एक रेफरेंस वोल्टेज है जो कि V रेफरेंस के बराबर है, जीरो नहीं है। मान लेते हैं कि ये वो डिफरेंस अगेन यहाँ पे कि 3 वोल्ट के बराबर है, ठीक है, और ये V इनपुट है। अब यहाँ से आउटपुट लेना है। अब बताइए कि अगर अब यहाँ पे इनपुट पे नेगेटिव में 3 दिया है तो मैं अगर 0 यहाँ पे पुट करूंगा, 0, तो क्या मतलब दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, नेगेटिव। मैंने क्या बताया था कि अगर आपका दोनों का डिफरेंस नेगेटिव आया तो आउटपुट माइनस बी सेट, दोनों का डिफरेंस अगर पॉजिटिव आया तो आउटपुट प्लस बी सेट, इतना ही देखना है। तो चलिए देखते हैं, अगर मैंने यहाँ पे 2 वोल्ट दिया, 2 वोल्ट, तो 2 और ये इसमें क्या है, 3 वोल्ट है, तो दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, निगेटिव, आउटपुट क्या आना चाहिए, प्लस बी सेट के बराबर। यानी कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव छोटा हो जा रहा है, यानी कि निगेटिव बढ़ाया तो आउटपुट माइनस बी सेट, और पॉजिटिव बढ़ाया तो आउटपुट प्लस बी सेट, बस यही तो है कॉन्सेप्ट, इसी को कंफ्यूज होने वाली कोई बात ही नहीं, बस आपको यही चीज देखनी है कि दोनों टर्मिनल पर से किस पे वोल्टेज बड़ा हो रहा है, किस पे वोल्टेज ज्यादा वोल्टेज दे रहे हैं, पॉजिटिव पे वोल्टेज ज्यादा दे रहे हैं तो प्लस बी सेट, निगेटिव पे वोल्टेज ज्यादा दे रहे हैं तो माइनस बी सेट। तो लेट अस सी हियर, यहाँ पे अगेन एक इनपुट ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये टाइम के रिस्पेक्ट में ये हो गया इनपुट और ये प्लस वी इन से लेके माइनस वी इनपुट तक वैरी कर रहा है, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट जो है वो फाइंड आउट करना है। तो बताइए, तो अब पॉजिटिव और इसके बाद एक रेफरेंस वोल्टेज भी है और यहाँ पे जो है वो 3 वोल्ट का हमने ले लिया है, 3 वोल्ट रेफरेंस, वी रेफरेंस मान लिया इसको। तो अब वी रेफरेंस यानी कि इस पोर्शन पे मेरा जो वोल्टेज है यानी कि वी इनपुट वो बड़ा है, ज्यादा है किससे, इनपुट से। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे सॉरी इनपुट जो है वो वी रेफरेंस से बड़ा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि इनपुट है तो इनपुट यहाँ से यहाँ तक बड़ा है। तो जब इनपुट बड़ा होगा, सिंपल सी बात है, अगर मैं 4 वोल्ट दूंगा, 5 वोल्ट दूंगा, 7 वोल्ट दूंगा, तो जो भी यहाँ पे इनपुट अगर मैं इससे 3 से बड़ा दूंगा, इसका मतलब मेरा डिफरेंस पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव आएगा तो आउटपुट भी मेरा वी सेट के बराबर, यानी कि वी इनपुट पॉजिटिव टर्मिनल पे इनपुट बड़ा हो गया तो प्लस वी सेट, निगेटिव पे तो माइनस वी सेट। तो यहाँ पे पॉजिटिव पे बड़ा हो गया इसलिए यहाँ पे हम करेंगे प्लस, यहाँ से यहाँ के बीच में क्या मिलेगा, प्लस वी सेट के बराबर, और इसके जस्ट अपोजिट रिमेनिंग पोर्शन पे माइनस वी सेट के बराबर। एग्री, लाइक दिस, और दिस इज हो गया प्लस वी सेट और ये माइनस वी सेचुरेशन। तो दिस इज कंपैरेटर, जो 4 टाइप के कंपैरेटर है। तो अगर आपको एग्जाम्स में लिखने आता है तो हर एक के बारे में बस एक एक लाइन, अब यहाँ पे अगर आपको बारे में लिखना होगा लिख दे, इनपुट इज गिवन टू द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल एंड इन्वर्टिंग टर्मिनल इज given with the some difference voltage, like example के लिए 3 volt, and correspondingly input and output is here, so isn't it? So this is all about comparators, total comparators के बारे में हमने पढ़ लिया, okay? और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये topic समझ में आया होगा। अगर इसके बावजूद भी किसी को कोई doubt है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे mail कर सकते हैं या comment box में मुझे लिख सकते हैं, और आप इसके अलावा जो भी आपको method लगे आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, बाय बाय।